कानपुर देहात से। भोगनीपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब रात्रि 2 बजे सघन चेकिंग अभियान के तहत संदिग्ध मोटरसाइकिल 3 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनके कब्जे से अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 80 लाख रुपए कीमत का मादक पदार्थ व एक मोटरसाइकिल बरामद की। आपको बताते चले, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात सुनीति सिंह के निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के मार्गदर्शन में क्षेत्र अधिकारी भोगनीपुर तनु उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में अपराधियों में अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना भोगनीपुर के अंतर्गत रात्रि चेकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह में हमराही व SOG प्रभारी एवं उनके हमराही द्वारा रात के 2 बजे सघन चेकिंग अभियान पुखराया के पटेल चौक पर चलाया जा रहा था। इसी दौरान डिस्कवर मोटरसाइकिल द्वारा 3 संदिग्ध व्यक्ति वहां से गुजरे तो पुलिस टीम ने शक होने पर मोटरसाइकिल सवार को रोका। तलाशी के दौरान अभियुक्त राम बालक शाह पुत्र परमेश्वर यादव पुत्र अर्जुन सिंह निवासी पन्ना जाखा थाना अकबरपुर के कब्जे से 1 किलोग्राम व अभियुक्त प्यारे लाल कोरी पुत्र स्वर्गीय प्रभु निवासी सूतन पूर्वा थाना रूरा कानपुर देहात के कब्जे से 1 किलोग्राम प्रतिबंधित नशीला पदार्थ चरस बरामद हुई। तीनों अभियुक्तों से कुल 4 किलोग्राम प्रतिबंधित नशीली पदार्थ व एक मोटरसाइकिल डिस्कवर बरामद की गई है। भोगनीपुर CO तनु उपाध्याय ने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से पकड़ा गया 4 किलो मादक पदार्थ चरस के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। वहीं भोगनीपुर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। मैडम, अगर बात की जाए इनका कोई सरगना अभी पुलिस की उसमें आया है, ग्रुप में आया है, क्योंकि जो माल बरामद हुआ है उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए देखिए जो इसमें प्रमुख व्यक्ति जो है वो उसका नाम है राम बालक शाह, जो कि चंपारण बिहार का रहने वाला है। इसके पास से 2 किलो अवैध सामग्री बरामद हुई है, उससे पूछताछ की गई है, सघन पूछताछ की गई है। इसके अलावा और भी जो संपर्क सूत्र हैं उनका पता। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। We'll be right back.